गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। सो आज गाइस एओजी के साथ एक बहुत ही ऑसम सी ब्रेकफास्ट राइड के लिए मैं जा रहा हूँ। एंड ये मैं पहले मीटिंग पॉइंट है द्वारका में डायनामिक टीवीएस, सो वहाँ तक पहले पहुँचते हैं। एंड अपनी बाइक के अंदर एक कमी आ रही है फिलहाल, जो कि अपना फ्यूल है वो ट्रिप ऐप शो कर रहा है। सो याद ही नहीं रहा कि इसमें फ्यूल भी डलवाना है। सो कोई नहीं, द्वारका के आसपास कहीं ढूंढते हैं पेट्रोल पंप एंड वहीं से फिर भरवाते हैं। सो लेट्स गो। पहले पेट्रोल, फिर अब जाके आधे पौने किलोमीटर बाद ये ट्रिप है बंद हुई है, उससे पहले बंद नहीं हुई। अब ऑटो आ गया है। यो ब्रो, क्या हाल है? चलो फाइनली पहुंच गए हैं। आज डबल स्टैंड लगाएंगे, यूजुअली मैं साइड ही लगाता हूँ पर डबल भी कभी कभी लगा लेना चाहिए। साइड ही ठीक है यहाँ पर तो। ब्रीफिंग इज डन एंड अब ऑलमोस्ट सारे राइडर्स यहाँ पे रेडी शेडी हो रहे हैं। अब निकलते हैं, हम भी जरा ग्लव्स व्लव पहन के हेलमेट पहन के रेडी होते हैं एंड देखते हैं आज कैसा रहने वाला है। बर्गर होम आई थिंक एंड किस डायरेक्शन में जाएंगे अभी ये तो फाइनली है, पता नहीं है मुझे एक्चुअली। सो लेट्स सी हाउ एवरीथिंग गोस। बैठो बैठो, हैव अ सीट। आपका नाम भी लिख लेना। अच्छा दूसरा निकला आप? हां मैम, मेरा नाम है। ओके दो निकले, दो निकले। कैसे निकालो, चलना भी ऐसे बैठ जाते हैं। ऑलराइटी, सो फाइनली अब लाइन फॉर्मेशन के लिए बोल दिया है। सो दो लाइनें यहाँ पे फॉर्म करनी है हम लोगों को। सो हम लोग सबसे आगे खड़े थे बट उसके बावजूद भी सबसे पीछे जाना पड़ जाएगा। समवेयर अराउंड मिडवे मार्क तक तो जाना ही पड़ेगा। Let's see, क्योंकि राइडर्स काफी सारे हैं। Alrighty people, so ride finally हुई है commence and let's see how everything goes today. There we go, two lane formation. Single lane में shift over, just because of service lane maybe. इसीलिए राइडिंग गियर्स आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एंड हमेशा सेफ होके चलाना है, शेकी में नहीं आना, बहुत फास्ट नहीं चलानी बाइक अनलेस आपके पास कंट्रोल हो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ब्रेकिंग के बाद क्या होता है बंदा स्लिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड आजकल की बाइक्स में थैंकफुली एबीएस आ रहा है, स्पेशली इसमें ड्यूल चैनल एबीएस है, जैसे वेरी वेरी सेफ बाइक। तो कोशिश यही करना कि इन्वेस्ट हमेशा एक सेफ बाइक से करना।
Alrighty folks, so we have entered Gurgaon and ये Gurgaon का जो साइबर हब वाला एरिया है ये वो वाला एरिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा सीनिक लगता है, एकदम बहुत ही बढ़िया। एंड जो ये बर्गर होम है हम जहाँ जा रहे हैं ये भी गाइस गुड़गांव के अंदर ही है, नियर जहाँ पे होटल शॉटल है उसी पर्टिकुलर रोड के ऊपर ये बर्गर होम नाम की जगह है। सो अब यहाँ से तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा देर लगनी चाहिए, बट बींग इन अ ग्रुप थोड़ा सा सेफली स्लोली इन्फॉर्मेशन में चल रहे हैं, सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ टेकिंग लिटिल बिट मोर टाइम। Alrighty people, so now we are commencing our trip. यहाँ पे तो छोटा सा हॉट लिया था क्योंकि राइडर्स बहुत सारे हैं, कुछ आगे पीछे हो गए थे लोग, तो अब वापस सारे इकट्ठे हो गए हैं। तो ऑफ वी गो टू द डेस्टिनेशन जो भी है। Very near by to our destination, but ये जो जी एफ आर जाने से पहले जो ये curvaceous आप roads अगर आप यहाँ पे आए हो तो आपने वो देखे होंगे, तो यहाँ पे guys bike चलाने का जो feel है ना, स्पेशली एक लॉन्ग ग्रुप के अंदर, अभी टू लेन फॉर्मेशन यहाँ पे चल रहा है एंड आप लोग प्रॉपर देखो कर्व, मज़ा आ जाता है यार इसके बाद, तो ये तो फील है। आयरनी गाइस देखो, नो पार्किंग के अंदर हमने इतनी सारी बाइकें पार्क कर दी है ना आयरनी। ये कोई फ्यूल पंप है HCG का, सब इसके लिए CNG पंप। ओके फर्स्ट राइड का तो आ गया है मज़ा। ऑलराइट ब्रो, सो अभी मैं सोच रहा हूँ कि अपनी यार इस 200 का पॉल्यूशन भी करवा डालूँ क्योंकि ड्यू हो रखा है, एक साल तक ही वैलिड था। ऑलराइट एक और बंदा है उसका, साइबर सिटी तक चलेंगे उसके बाद एकदम बुरा आ जाओ। ऑलराइट गाइस, सो फाइनली यहाँ से हमने कर दिया है गुड बाय एंड दूसरा बंदा ये रहा अपना निखिल भाई, चलो।
निखिल भाई तो निकलिए इस साइड से, अब मैं और गोविंद भाई बचे हैं। लेट्स सी अब पीतमपुरा पहुंचने में कितनी देर लगेगी। इट्स ऑलरेडी 2:05। बट ये है ना, इतनी उछल कूद मचाने के बाद अकेले राइड करते हैं ना, जब थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती, बस ये कि टाइम कम लगता है अकेले, लेकिन उतना ज़्यादा फन भी नहीं रहता। अभी मेरे पास तो देखो ये जुगाड़ है कि मैं एक मोटो व्लॉगर हूँ, मतलब अभी इतना हाई एंड नहीं पहुँचा, बट आप सबकी कृपा रहेगी तो ज़रूर पहुँचेंगे। एंड उससे क्या होता है ना कि बीच बीच में से ब्लॉग लेते रहो ना, बातें करते रहो, तो थोड़ा सा ना मन लगा रहता है, और कुछ नहीं। अदरवाइज अकेले बिना बोले चलाओ ना, जैसे कि यूजुअली हम बाइक चलाते हैं तो बोलते तो कुछ है नहीं, राइट, तो बंदा हो जाता है बोर, तो वो ना छोटा सा डिस्टेंस पे ऐसा लगता है पता नहीं कितना बड़ा पहाड़ हो गया है। तो अभी तो मुझे मज़ा आएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, पर मैं ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि अदरवाइज ब्लॉग कैन बी लॉन्ग एंड बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ज़्यादा लंबे ब्लॉग देखना पसंद नहीं है अभी इस स्टेज पे। तो हो सकता है मेरा कुछ ना कुछ क्वालिटी में अभी इसका इशू हो, बट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव ईच एंड एवरी सिंगल डे। तो कुछ फीडबैक रहेगा तो प्लीज़ डू लेट मी नो गाइस, मैं 100% इम्प्रूव करूँगा इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो ऑडियो हो सकता है इस बारी भी, मतलब पिछली बार तो ठीक था XBHP की राइड पे, और उसके बाद भी जो एक आधा, तो देख लेना, नहीं देखी होगी तो फिर ये भी देख लेना ये तो देख के ही दूसरी राइड पर जाना। स्टार्टिंग की राइड्स में देखो डेफिनेटली क्वालिटी में इशू है, बट यूजुअली मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी मिले। गाइस टीवी टावर दिख गया तो समझ लेना घर आ गया। एंड ऑन दैट पर्टिकुलर बॉम्बशेल गाइस, लेट्स एंड दिस पर्टिकुलर व्लॉग। आई होप यू गाइस लाइक द AOG ब्रेकफास्ट राइड। मैं जितना बेस्ट पॉसिबल एडिट करने की कोशिश करूंगा उतना बेस्ट पॉसिबल डेफिनेटली करूंगा। एंड गाइस आपकी कोई भी क्वेश्चन क्वेरी या कुछ भी रहेगा तो प्लीज डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड कोई भी फीडबैक रहेगा तो प्लीज डू ऑल्सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। बट देखो यार, गाली गलौज लिखोगे भी आपको मैं फ्लैग करूंगा, ब्लॉक करूंगा, उसको कोई फायदा नहीं है। हाँ, एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन के लिए मैं ओपन हूँ। देखो फीडबैक्स आर ऑलवेज वेलकम, चाहे नेगेटिव फीडबैक हो चाहे पॉजिटिव फीडबैक हो, कोई इशू नहीं है उसके अंदर, बट तमीज़ रखनी बहुत ज़रूरी है। देखो कोई फ़ायदा होगा नहीं टेढ़ा मेढ़ा लिखने का तो आप टेढ़ा मेढ़ा लिखोगे तो मैं टेढ़ा मेढ़ा लिखूंगा, तो देयर इज़ अ पॉइंट ऑफ दैट, राइट। तो हम आराम से एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, बींग नेगेटिव बींग पॉजिटिव इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, तो उससे मुझे कोई भी इशू नहीं है एज एन। बट गाली गलौज गंदा लिखना ना, वो बर्दाश्त नहीं है। All right guys, so thank you so much for tuning in guys. Bye bye, take care, see ya, have lots and lots of fun, and see ya, milte in the next, some other vlog, some other video. So guys, agar new ho mere channel pe se check out kar lena, aapko kuch bhi acha lagta to apne friends and family ke sath share definitely karna, and yeah, subscribe kare bina guys jana mat, and enjoy karo, waise enjoy karne laga bhi to traffic hi hai, but still karna chaho to wo bhi kar sakte ho. So bye bye guys, thank you so much.